राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को बहुत बढ़िया बताया है। पुतिन ने कहा है कि रूस की दूसरी वैक्सीन इपिक वैक कोरोना का कंपटीशन पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी से होगा। पुतिन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बाजार में लाने के लिए रूस दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। पुतिन ने कहा कि एक और वैक्सीन सितंबर में आ रही है, इसे फेमस वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन से भी मांसपेशियों में दर्द की शिकायतें हो सकती है। पुतिन ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वेक्टर इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने एक बढ़िया वैक्सीन तैयार की है जो लोगों की काफी मदद करेगी। रूस की पहली वैक्सीन को गमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया था। इससे पहले रूस ने बिना फेज 3 ट्रायल के ही अपनी पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को सफल घोषित कर दिया था। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।